के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में महिला ने दो बच्चों संग की खुदकुशी, SPCT ने कहा संदिग्ध है मामला। जिला महिला अस्पताल के NHRM के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का प्रसूताओं से पूछा हाल। लूट की घटना में शामिल तीन अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, बरामद हुआ नकदी सहित एक रिवॉल्वर और कारतूस, SP नॉर्थ ने किया घटना का खुलासा। पूर्वांचल बैंक के चेयरमैन AK सिन्हा ने कहा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहा है बैंक, गोरखपुर न्यूज से की विशेष बातचीत। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के चेकिंग और वाहनों की जांच की मंडलायुक्त ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। महानगर के चकसा हुसैन वार्ड का DM ने किया औचक निरीक्षण, कहा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराए नगर निगम। BJP के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह के गोरखपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, प्रदेश महामंत्री ने बैठक कर आगामी चुनाव में जीत पर बनाई रणनीति। 25,000 का इनामी शातिर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, SPCT विनय कुमार ने किया घटना का खुलासा। ऑफिसों में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने पर अब कार्यालय अध्यक्ष होंगे जिम्मेदार, CDO ने वेतन रोकने की दी चेतावनी। दो गौ तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने किया खुलासा। जिला अस्पताल का शौचालय हुआ चौक, मरीज हुए परेशान, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ने कहा जल्द ही दूर होगी समस्या। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने विद्युत विभाग एवं AC पावर को मैकेनिकल में समाहित करने का किया विरोध, दिया धरना। महानगर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने DM को दिया ज्ञापन, निस्तारण की मांग। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में दिया गया धरना, वेतन विसंगतियों से असंतुष्ट है बैंकर्स। CRDPG में पुरातन छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन, नव निर्वाचित परिषद के सदस्यों को किया गया सम्मानित। PWD कर रहा है चौराहों पर आने वाले वाहनों की गणना ताकि सही ढंग से हो सके यातायात नीति में सुधार। और गोरखपुर जोन की 44वीं अंतर जनपदीय जूडो जन्माष्टमी वुशु और ताइक्वांडो महिला और पुरुष प्रतियोगिता 2018 का ADG ने किया समापन, मेजबान गोरखपुर बनी विजेता।